हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो आलफोन यूज़र के बारे में। और गाइस, हमारे आज का टॉपिक है रिजाल डाटा फैक्ट्री सेट सेटिंग। मतलब आपके डाउट मैं शुरू में क्लियर करवा देता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, फोटोज़, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या आपको कोई भी पर्सनल डाटा होता है, सारा का सारा डिलीट हो जाता है। इसलिए आपको कहीं पर आप इसको सेव करके रख लेना है, मेमोरी कार्ड, मतलब कार्ड रीडर, या फिर आपको पेन ड्राइव या कहीं भी आपको दूसरे डिवाइस में आपको यहाँ का डाटा सेव करके रख लेना है। अगर सर फैक्ट्री सेट करते हैं और रिजल्ट डाटा, मतलब यानी कि रिजल्ट डाटा करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाटा वाटा हर चीज़, मतलब जिस टाइप से आपने डिवाइस को फ़ोन लिया होता है और तो मतलब उस टाइप का हो जाता है। ठीक है, मतलब आप किसी को मोबाइल बेचते हैं या फिर आपको कुछ ये करते हैं, तो आप भी उनको आपको पूरा बैकअप करके दिए, रिजल्ट डाटा करके दिए आपका डाटा लेके, ताकि आपका कोई वो इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आपका पर्सनल डाटा यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, सेटिंग पे आइएगा। आप इसे करना कैसे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे आइएगा आप और यहाँ पे आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन देखने, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन देखने, ये आपको देखने को मिल रहा है इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री से तीसरे नंबर पर। आपको पैटर्न ये इसको रिसेट करने के बाद आपको कुछ 15 से 20 मिनट लगेगा पूरा बैकअप होने, और फिर से आपको जीमेल वाली प्रक्रिया, वही जीमेल ऐड या फिर आपको फिर से वही प्रक्रिया करना जो टाइप से अपने डिवाइस पर लिखे आया था। ठीक है, यह था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।